Hey guys, welcome or welcome back to my channel. और मैं हूँ अंकिता and if any of you are watching my face for the very first time, then hello. मैं videos बनाती हूँ makeup, skin care और बहुत ही सारी नए interesting fun challenges and अगर आप इनमें से कुछ भी देखने में interested हो, then please do consider subscribing my channel and hit the bell icon to never miss another update from my channel. आज का video होने वाला है my room tour. ये तो देख सकते हो ना, ये मेरा bed है. मैं यहाँ बैठ के video का intro shoot कर रही हूँ. तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम माय चैनल और वीडियो को पूरा लास्ट तक एंजॉय करना. तो चलिए, सो गाइस, ये है मेरी रूम की एंट्री. उस साइड से एक और रूम है और इस रूम के दो दरवाजे हैं. मैं आगे चल के दिखाती हूँ आप लोगों को. यही से हम एंट्री करें. मेरा स्कूल बैग, ये है मेरा स्कूल बैग और ये तो अभी 2 साल से काम में आया नहीं तो इसलिए वो पड़े पड़े गंदा हो गया है. और इसके अंदर हमारे ड्रेसेस और बुक्स रहते हैं. आप देख सकते हो पहले ड्रॉअर में हमारे जो बेडशीट्स और कंबल वगैरह रहते हैं और दूसरे दो ड्रॉअर में हमारे बुक्स रहते हैं. तो ये हो गई मेरी कबोर्ड. उससे हमें थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये है हमारा अलमीरा जिसके अंदर हमारी ड्रेसेस रहती है, जो कि ड्रेस कलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा. ये है बहुत सालों पुरानी अलमीरा. जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी ये तब की अलमीरा है और तब उसके बाद से क्या हुआ ना, उसके मेरी मम्मी के रूम में नया अलमीरा लग गया तो ये अभी मेरा और मेरा भाई का है. इसमें उसके और मेरे कपड़े हैं और जो विंटर्स के कंबल वगैरह भी इसके अंदर हैं तो वो आपको बाद में देखने को मिलेगा जब मैं ड्रेसेस की कलेक्शन वीडियो दिखाऊंगी तो इसका भी टूर करा दूंगी आप लोगों को. फिर उसके साइड में आता है, ये है विंडो. आप देख सकते हो इसके पीछे अब मैं वीडियोस बनाती हूँ. अभी विंडो खुला हुआ है ताकि हवा आ जाए थोड़ा सा. और ये कर्टन है. उसके साइड में चलते हैं तो ये है मेरा बेड. आप देख सकते हो. तो गाइस, ये है मेरा बेड जहाँ पर मैं अभी बैठी हूँ और वहाँ पर मैं अपनी वीडियोज बनाती हूँ. तो अगर आपको देखना है कि मैं सेटअप टूर तो वो भी मुझे बताना, वो भी मैं करूँगी. और गाइस, इसे इग्नोर करना, ये है मेरे माइक के जो वायर हैं उसे हमें पकड़ के चलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा वायर है ना, आप देख सकते हो. तो वो क्या होता है, वो नीचे नीचे रहकर गंदे ना हो जाए इसलिए जो भी बचे कुछ वायर्स हैं मैं उन्हें अपने हाथ में डाल दी हूँ और थोड़ा सा मेरे भाई के तरफ गया है ताकि वो फोन में लगे और थोड़ा सा यहाँ पर है ताकि सुनाई दे आप लोगों को. तो ये है मेरी माइक की जो भी बातें बतानी थी मैं बता दी. अभी यहाँ आ जाते हैं हमारे बेड के ऊपर. आप मेरे बेड को देख सकते हो, ये है मेरा पूरा बेड. तो बेड के शुरुआती पे है यहाँ दो क्या बोलते पिलो. तो ये है, पर मैं अकेली सोती हूँ बट पिलो दो है. वो बेड को सुंदर बनाने के लिए मैंने रखी है. उसके बीच में ये प्यारा सा डॉगी है. कैसा लगा मेरा प्यारा डॉगी कमेंट में जरूर बताना. आप दो बेडशीट आप देख सकते हो, एक बार दिखा दो पिलो को. तो पिलो होने के बाद ये है हमारी बेडशीट जो कि ये मिकी माउस बेडशीट है. मुझे कार्टून बेडशीट्स बहुत पसंद है तो इसी के लिए ये बेडशीट है. उसके बाद ये है कंबल. कंबल को ऐसे ही मैंने रखा हुआ है. ये एक जगह है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी सामान नीचे और ऊपर रखे हुए हैं और ऊपर मैंने ये एक मेरी चुनरी डाल दी है जो मैं यूज नहीं करती हूँ, पहले यूज करती थी, जिसमें मेरी वीडियो भी है आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर. तो उसे डालकर उसके ऊपर ये है गणेश जी. ये ना टूट गए हैं, मुझे निकालने भी बहुत दिख रहा है. तो ये है गणेश जी जो कि यहाँ रहते हैं और यहाँ है ये है यहाँ पर. तो ये जगह थोड़ा सा सुंदर बन जाता है और रात को जब मैं सोती हूँ यहाँ पर बॉटल रख के सोती हूँ ताकि सुबह होने के बाद सॉरी रात में अगर मुझे प्यास लगी तो मैं पी सकूँ. उसके बाद उसके साइड में ही आ जाता है हमारा जो ड्रेस रखने का जगह. आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे स्कूल ड्रेसेस हैं जो कि अभी कुछ काम नहीं आ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम स्कूल जा नहीं रहे हैं और ये मेरा 10th है. आई डोंट नो मैं इसे अगली बार कब पहनूंगी और अगर 10th खत्म हो गया तो हम इसे पहनेंगे ही नहीं, ये कोई काम की नहीं होगी. तो नीचे भी मेरे भाई के सारे ड्रेसेस हैं, वो ज्यादा उसका ड्रेस है नहीं तो जो भी है वो यहीं पर रख लेती हूँ. फिर नीचे यहाँ टॉवल और मेरी चुनरियाँ रहती है जो मैं ड्रेस के साथ पहनती हूँ तो वो रहते हैं. और नीचे मेरी जो साड़ियाँ मेरे ग्रैंड मदर की वो रहती है. ये साइड में मेरी जो लॉन्ग ड्रेसेस हैं उन्हें मैं रख लेती हूँ क्योंकि उनसे जब फोल्ड करती हूँ ना बहुत टाइम लग जाता है, मुझे पसंद नहीं है इतना टाइम देखो उसे फोल्ड करना एंड ऑल. और नीचे यहाँ पर रहती है मेरी रोज की ड्रेस जो मैं वीडियोज में पहनती हूँ और ऐसे ही घर में पहनती हूँ क्योंकि मैं वीडियोज में सब पहन लेती हूँ, घर की ड्रेस बाहर की ड्रेस सब
पहन लेती हूँ। आज की आउटफिट कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं हर वीडियो में नई नई आउटफिट पहनती हूँ, बट नो वन नी। उसके बाद ये आ जाता है ये मेरा स्टडी टेबल, और ये मिरर को भूल जाना, क्योंकि ये मिरर वैसे ही रहता है, क्योंकि मैं जब वीडियो शूट करती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कहाँ पर मैं मिरर रखती हूँ, तो यहीं पर रखती हूँ, तो मुझे आसान होती है उसे लेकर वीडियो शूट करने के लिए। और जब भी मैं घुस जाती हूँ मैं अपने चेहरे को एक बार देख देती हूँ, तो मुझे खुशी हो जाती है। तो उसके नीचे रहती है ये टब, ये क्या रहती है ना, ये मैं ऑनलाइन क्लास के लिए रहती है, देख लो एक बार, आपको भी अगर जुगाड़ चाहिए तो आप देख सकते हो। ये रहती है, तो उसके यहाँ पर मैं ऐसे तरीके से दिखा देती हूँ, एक बार इस तरीके से फ़ोन रख लेती हूँ और बैठ के क्लास करती हूँ ऑनलाइन क्लासेस। तो ये मेरे ऑनलाइन क्लास का है, और ये रहता है मेरे वीडियोस के लिए, ये अलग का रहता है जहाँ पर मैं बैठती हूँ विंडो के आसपास इसे रख लेती हूँ, उसके ऊपर अगेन फ़ोन रख लेती हूँ और मेरी वीडियोज भी बन जाती हैं। उसके साइड में रहती है ये डायरी, ये स्टेपलर, और फिर मेरी चश्मा, नंबर वाली ग्लासेस, उतनी नंबर नहीं कि दिखाई नहीं दे रही हो, वैसे ही जब पढ़ाई के लिए पहनती हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल रहती है ताकि मुझे अगर प्यास लगे तो मैं पी सकूँ पानी। उसके बाद ये छोटू सा किचन रहती है, आप देख सकते हो इसमें ए लिखा हुआ है, जिसमें कि मेरा नाम, मेरा भाई का नाम, मम्मी का नाम, सबका नाम आ जाता है, तो वो रहता है। और यहाँ सेलो टेप रहती है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे काम आती है सेलो टेप, बहुत ही जुगाड़ू चीज़ है। फिर रहती है यहाँ पर मेरी बुक्स, आप देख सकते हो, यह है मेरी कॉपी, यह है मेरा स्कूल का नाम, और यह है मेरी बुक। आप लोगों में से जो जो टेंथ में है बताओ आप यही बुक पढ़ते हैं या फिर कुछ अलग। तो यह है मेरी स्टडी टेबल, और यहाँ पर फिर से दिखा देती हूँ, ये चेयर है, मैं बैठ के क्लास करती हूँ, और नीचे यहाँ पर बुक्स रहती है, अगेन यहाँ पर बुक्स रहती है, ये मेरा भाई का बुक, ये हमारे कॉपीज, और ये है मेरे बुक्स, और ये है मेरी स्टडी टेबल। आई नो ये बहुत बार मैंने बोल दिया, बट फिर भी एक और बार सुन लो। तो यहाँ पर बैठ के मैं पढ़ाई करती हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो, ये है मेरा स्टडी टेबल। पूरा स्टडी टेबल को देखने में ऐसा लगता है उसे मिरर को इग्नोर करना, क्योंकि वो मेरे वीडियो के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर एक और टेबल आप देख सकते हो, ये छोटू सा टेबल है, इसे मैं दिखाऊं कैसे वो सोच रही हूँ, क्योंकि ये इसके ऊपर ही मैं मोबाइल रखे ज़्यादातर वीडियोस बनाती हूँ मेरी। अगर आप ज्वेलरी वीडियोस देखे होंगे, मुझे कमेंट में बताओ आप ज्वेलरी वीडियो देखे हो या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। और आज पूरा रूम टूर मैं दिखाऊंगी ना, तब बताना। तो वो ज्वेलरी कलेक्शन मैंने इसी रूम में किया था, ये हिंट है, मैं कहाँ पर की थी वो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अ टास्क फॉर यू ऑल। तो यहाँ पर रहती है ये, क्योंकि इसके ऊपर मैं मोबाइल रख के वीडियो बनाती हूँ। और ये है मेरी बैग, ये है मेरी एक और प्यारी सी बैग जो मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था, और इसके अंदर मैंने अपनी मेकअप स्टोर किया है। वैसे कम मेकअप है ना, और बहुत ही जगह ले लेता हूँ, उस रूम में अगर रखूँ तो मुझे फिर से जब भी हर एक दिन वीडियो बनानी होती है उसे लेकर आनी होती है, रखनी होती है, वो बहुत बड़ी मुश्किल काम हो गई थी। तो इसीलिए मैं इसके अंदर ही सब डाल दी, जब चाहिए होता है वहाँ ले जाती हूँ, बैठ के वीडियो बना लेती हूँ और फिर से वहाँ रख लेती हूँ। उसके साइड में आ जाता है ये एक और डोर एरिया, यहाँ पर भी डोर है, इसके रूम के साइड से आप दूसरे रूम की तरफ जा सकते हो, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी ये रात है, सब सो रहे हैं और मैं इस रूम की वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उस रूम में भी मेरी दादी जी सो रही है, तो वो दिखा नहीं सकती आप लोगों को। और यहाँ पर कोई डोर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन लगी हुई है ताकि मैं निकल जा सकूँ, तो वो मुझे पूरी फ्रेम मैं पूरा देखती हूँ, फुल साइज मिरर है, मैं सर से लेकर पाँव तक सब देख पाती हूँ, तो ये बहुत ही सुंदर सी है। और उसके साइड में ही आ जाने से ये है हमारे भगवान की मंदिर, हमारे कोई वैसे स्पेशली भगवान के लिए घर नहीं बनाया गया है, ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारी जो कलरफुल लाइट्स भी लगी हुई हैं आप देख सकते हो कैमरे पे, वो फ्लश कर रहे होंगे। उसके साइड में आ जाने से ये है वॉल, और यहाँ पर है स्विच बोर्ड जहाँ से वहाँ लाइट लगी हुई है। उसके नीचे है ये जो घर में पूजा होती है ना, एक बार दिखा दे, हाँ घर में जो पूजा होती है ना उसी के लिए ये रहता है, जब नया घर बना था, पूजा हुआ था तभी ये बना था। और ये है सिर्फ मेरी रूम टूर, तो यहाँ पर आ जाने से फिर से वही पुराना डोर जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था, वहीं पे आज वीडियो एंड हो रही है। तो रुको, यहाँ पर शायद अच्छी लाइट आ रही होगी,
तो यही था मेरा पूरा रूम टूर। अगर आपको ये छोटी सी रूम, ये छोटी सी कमरा और मैं पसंद आ रही हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, मैं उतनी बड़ी रूम यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे मम्मी पापा और दादी जी का रूम इससे बहुत बड़ा है, बट मेरा थोड़ा सा छोटा है क्योंकि मैं भी छोटी हूँ ना, वो लोग मुझसे बड़े हैं तो उनका बड़ा रूम। और यहाँ पर उतने बहुत ही स्पेस था, बट अभी धीरे धीरे पढ़ाई के लिए और वीडियोस के लिए जगह कम होते जा रहे हैं। मुझे हर जगह बैठ के वीडियोस बनानी पड़ रही है। जहाँ भी मुझे मिल जाए मैं बैठ के बस वीडियो बना लूँ, या फिर पढ़ाई करनी हो तो बुक्स लेके बैठ जाऊँ, पढ़ाई कर लूँ। वैसे कुछ इंटेंशन नहीं होता कि एक ही जगह में मुझे वीडियो बनानी होती है। आपको पता है, आप मेरे बैकग्राउंड देख रहे होंगे। तो यही थी मेरी पूरी रूम टूर। तो अगर आपको पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नहीं करे हो तो, और अगर आप करे हो तो देन थैंक यू, मीन्स अ लॉट टू मी। और एक बार देख लो फिर से मेरी रूम, आपको पसंद आई या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर पसंद आई हो तो आप लोगों को बताया कितनी बार बताऊँ, देख लो एक बार अच्छे से। और ये आ गई मैं, ओ गॉड, और ये आ गई मैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आई नो ये थोड़ा सा छोटा वीडियो है, मैं रेगुलरली 11 से 12 मिनट का वीडियोस बनाती हूँ और आई गेस ये 8-9 मिनट का ही वीडियो होगा, बट कोई नहीं, आप एंजॉय कर लेना। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आपको मेरी हाउस टूर चाहिए तो उसके लिए वेट करना, क्योंकि मेरा रूम अभी ही थोड़ा रिनोवेट हुआ है। ये यहीं पर ऐसे नहीं थे, हर चीज़ें अलग अलग जगह में थी, ये वहाँ था, वो वहाँ था, ऐसे ही होके था। फिर हमें उसे अदल बदल करना पड़ा ताकि वो जगह साफ़ हो पाए और एक ही जगह पर रहकर उसकी स्टेन ना आ जाए। तो अगर आप भी रहते हो ना, आप अपने मम्मी पापा को सजेस्ट करो कि एक एक बार बीच बीच में अपने रूम को रिनोवेट कर ले, लाइक चीज़ों की जगह एक्सचेंज कर ले, ताकि एक जमाने, लाइक देखो ये है बेड, अगर हम ज़्यादा टाइम रख लेंगे ना तो इसके नीचे ना ये स्टेन लग जाएगा, जो कि निकलने की बहुत तकलीफ होती है। अगर आप मार्बल में रहते हो तो और भी तकलीफ हमारा जैसे रहता है। ये टाइल्स है, ये पूरे वाइट कलर के टाइल्स है, तो वो बहुत ही प्रॉब्लम कर देंगे अगर स्टेन लग जाएगा तो। और वाल्व में भी लग सकता है, लाइक अलमीरा है, अलमीरा के पीछे वाले वॉल में लग जाएंगे, जो भी बोलते हैं ना अलमीरा के, क्या बोलते हैं उसे, याद नहीं, वो लग जाएंगे, स्टेन हो जाएंगे। तो ये सब के लिए आपको एक एक बार बीच बीच में इन सॉर्ट्स टाइम ऑफ इंटरवल, लाइक 2 ईयर्स 1 ईयर, ऐसी में उसे थोड़ा सा रिनोवेट कर देना चाहिए जैसे कि हमने किया है। तो बहुत ज्ञान दे दिया आज के वीडियो के लिए, और मेरा भाई का पैर भी दर्द कर रहा है पकड़ पकड़ के, और मुझे भी गर्मी पसीना हो रही है। लाइक देख लो फैन ऊपर है बट बंद है, वीडियो बनाने के लिए हमने उसे बंद रखा है। तो फैन भी बंद रखिए ताकि वो अपनी नेचुरल से बैकग्राउंड म्यूजिक ना दे, और हम खुद बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहते थे, इससे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं देना चाहते थे, तो इसीलिए वो बंद है। और एक चीज़ बहुत ही प्यारी सी जो कि मेरे रूम में मुझे बहुत पसंद आई थी, ये थी वो लाइट, उसके ऊपर ना डिस्को की तरह दिख रहे हैं। तो जब मैं सो जाती हूँ तो वहाँ पर वो लगती है, तो पूरे बेड के ऊपर फोकस रहती है, तो मैं आराम से रेड लाइट में सोती हूँ। एक और यही था मेरा पूरा छोटू सा रूम, जो कि मेरी तरफ प्यारा सा रूम है, बहुत ही सुंदर सा। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, और हाँ मेरे सारे वीडियोस देखते रहना क्योंकि बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है मेरे भाई के साथ, मम्मी के साथ, और बहुत सारी लाइक ड्रेस कलेक्शन, पानी पानी लुक, बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, तो वेट करना। और 2 दिन में एक बार मेरी लॉन्ग वीडियो आ जाती है, उसे एंजॉय करना। और आई गेस मोस्ट ऑफ द टाइम डेली मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, उसे भी जाकर एक बार, हर दिन सुबह 8 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। तो आप जाके, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही होगी तो प्लीज चैनल को जाना, सर्च करके अंकिता रथ चैनल पे उसे देख लेना, क्योंकि मैं रोज डालती हूँ। मैं अभी से क्लियर कर दे रही हूँ, मैं रोज डालती हूँ। लोग बोले आप प्लीज दीदी रोज डालो, बाबा मैं रोज डाल रही हूँ, मैं भी नोटिफिकेशन नहीं जा रही होगी, तो एक बार प्लीज जाके चैनल पर देख लेना, अगर आई होगी तो आप उसे एंजॉय कर लेना।